ड्राइविंग लाइसेंस हो और गाड़ी हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप जॉबलेस रहे। आपको 5 times बल्कि 10 times ज़्यादा जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती सारी चीज़ों पे कुल मिला के 46 pounds आपका एक्सपेंस आएगा। बाज़ लोग सिर्फ पासपोर्ट भेजते नहीं, BRP कार्ड भी उस एनवेलप में डाल के आप लेके जाए करीबी पोस्ट ऑफिस। और कैसे हैं दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो है UK के ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से, और UK के ड्राइविंग लाइसेंस को जो है वो हाफ पासपोर्ट या सेकंड पासपोर्ट भी UK का कहा जाता है। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और इसके 3 simple steps हैं, वो इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि कौन से वो तीन स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं, ये फॉलो करके आप UK का ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। तो अभी जो है बहुत ही ज़्यादा धूप है, मुझे तो लिटरली पेशावर की याद आ गई, इसलिए आज फ्रूट ज़्यादा खा रहा हूँ, पानी भी काफ़ी ज़्यादा पिया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं फुल पठानों वाली ड्रेस में हूँ, क्योंकि ये खुले होते हैं। और वैसे मैंने ये देख पेशावरी चप्पल भी पहनी हुई है, तो ये भी मेरे साथ होती है हर जगह जहाँ मैं जाता हूँ। वो आज जुमा भी था तो मैंने ये ड्रेस पहना। और अभी मैं जॉब पे भी जा रहा हूँ और आपके साथ जो है वो UK के ड्राइविंग लाइसेंस का पूरा प्रोसेस भी शेयर करूँगा। तो सबसे पहले स्टेप है अप्लाइंग फॉर प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस। तो देखिए, जैसे ही आप UK लैंड होते हैं तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू, 6 important things to do, इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाई थी। मैंने कहा था कि 6th काम जब आप करें तो वो आप प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। आप ऑनलाइन DVLA की वेबसाइट पे जा सकते हैं या जो है वो करीबी पोस्ट ऑफिस से आप फॉर्म हासिल कर सकते हैं, फ्री में होता है। और वो फॉर्म आप फिल करें, आप अपनी डिटेल्स दें, और ऑनलाइन क्योंकि मैंने किया था ऑनलाइन ईजी भी होता है, ज़ाहिर सी बात है आप किसी भी टाइम पर फ्री होकर लैपटॉप खोल के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। मैं वेट कर रहा हूँ ये रेड हो जाए, रोड खाली है भाई, कौन इतना वेट करे। ओके जी, अच्छा जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं कि कुछ दिन बाद को DVLA की तरफ से एक फॉर्म आ जाता है और एक एनवेलप आ जाता है। उसमें आपने क्या करना है कि उस फॉर्म में आपने डिटेल्स देनी है और अपना जो आपका पासपोर्ट है उसके साथ साथ BRP कार्ड। याद रखे, बाज़ लोग सिर्फ पासपोर्ट भेजते नहीं, BRP कार्ड भी उस एनवेलप में डाल के आप लेके जाए करीबी पोस्ट ऑफिस और DVLA को भेज दें। तो इन सारी चीज़ों पे कुल मिला के 46 pounds आपका एक्सपेंस आएगा, 46 या 48 पाउंड्स आपके टोटल एक्सपेंसेस आएंगे। 2-3 weeks में जो है वो आपका प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस बन के आ जाएगा। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस आप यहाँ पे एज ID कार्ड यूज़ कर सकते हैं। आपको फिर अपना पासपोर्ट और BRP कार्ड हर जगह अपनी जेब में घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लॉस हो जाए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए आप इस ID कार्ड को, प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस को एज एन ID कार्ड यूज़ कर सकते हैं। प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस के बाद जो दूसरा स्टेप है, जो यहाँ पे अनएजुकेटेड लोग आते हैं उनके लिए तो सबसे मुश्किल है, लेकिन एजुकेटेड लोगों के लिए इतना मुश्किल नहीं है, वो है थ्योरी टेस्ट। इसके बाद आप क्या करेंगे कि आप ऑनलाइन जाके अपने पसंद मुताबिक डेट्स और टाइम्स चेक कर लेंगे कि आपने किस टाइम पे और किस डेट को थ्योरी टेस्ट देनी है, वो बुक कर लेंगे। उसकी फ़ीस है सिर्फ 23 pounds। अच्छा, फिर इसकी तैयारी कैसी होती है, मुख्तलिफ़ एप्लीकेशन और बुक्स इसके लिए अवेलेबल हैं। मैंने कहाँ से तैयारी की थी, तकरीबन 599 यानी 6 pounds पे एक ऐप मिलता है, DVLA का ऐप होता है, वो आप डाउनलोड कर लें और उससे आप प्रिपरेशन कर लें। इंतहाई सिंपल प्रिपरेशन है, मैंने तकरीबन 3 बार रीड किया था, तो अगर आप 3 बार वो रीड कर लें तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और लास्ट में जो है हैज़र्ड परसेप्शन का भी होता है। तो इन दोनों का क्या होता है कि थ्योरी टेस्ट के 50 questions होते हैं, 50 marks, उसमें आपने 43 marks लेने हैं, 43 marks पे आपको पास मिलेगा। ये देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे एक फ़ैन भी मिला है अभी रास्ते में, ये मेरा बहुत बड़ा फ़ैन है, लेकिन ये कैमरा शाय है, कैमरे में नहीं आना चाहता। हाँ जी आती है। यार आप इंटरव्यू कब देंगे? जल्दी 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 दूंगा। शर्मा क्यों रहे हो भाई? अच्छा, तो जो हज़र्ड परसेप्शन है उसके 75 marks होते हैं, उसमें आपने 44 marks लेने होते हैं। उसमें तो नॉर्मली सभी 75 out of 75 लेते हैं, मैंने भी 75 ही लिए थे, वो तो बहुत सिंपल होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इसी ऐप में आप उसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, एक 2 बार प्रिपेयर कर ले तो बस हो जाता है, उसमें कोई मसला नहीं है। थोड़ी तैयारी थ्योरी के लिए सीरियसली करनी होती है। तो ये हो गई आपकी थ्योरी टेस्ट, जब आप 43 marks ले लेते हैं आपका थ्योरी टेस्ट पास हो जाता है। मैं स्टेशन पहुँच गया,
थ्योरी टेस्ट के बाद जो थर्ड और लास्ट स्टेप आता है वो है प्रैक्टिकल। तो देखिए, प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए आपको प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, यानी आपने कुछ लेसन्स लेने होंगे। अब लेसन का प्राइस पर आवर जो है वो रेंज करता है 30 to 35 pounds के बीच में। आपने जहाँ पे भी बार्गेन की, कुछ लोग तो 30 से भी कम में बार्गेन कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं जो भी हो, जो भी आपको पसंद हो, आप जिस कंट्री से भी है उस कंट्री का इंस्ट्रक्टर जो है वो आपको मिल जाता है और आप उनसे जो है वो क्लासेस ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप कितनी क्लासेस ले सकते हैं। तो अगर तो आप जो है स्किलफुल ड्राइवर हैं, आपने अपनी कंट्री में ड्राइविंग की है, तब भी आपको यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस है हमारी कंट्री की नस्बत, तो तब भी आपने जो है यहाँ पे कुछ लेसन्स लेने होंगे। लेकिन अगर आपने बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चलाई तो आप जो है 30 से लेके 40 घंटे तक के लेसन लेके आप पक्के हो जाते हैं। उसके बाद आती है प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए अप्लाई करने की। तो देखिए, जब आप अप्लाई करते हैं तो उसकी फ़ीस है 62 pounds, और अगर आप कोई बैंक हॉलीडे और या वीकेंड पे करते हैं तो उसकी फिर फीस है 75 pounds। और आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना होता है। जब आपका इंस्ट्रक्टर होता है उसको पता लग जाता है, जब आप रेडी होते हैं तो आप फिर अपना टेस्ट बुक कर सकते हैं और आप प्रैक्टिकल टेस्ट दे सकते हैं। जब टोटल खर्चे की बात आती है तो देखिए, टोटल ख़र्चा वो वेरी करता है, आपको मैंने डिटेल में समझाया। और ज़्यादा ख़र्चा जो आता है वो लेसन्स लेने पे आता है, क्योंकि नॉर्मली अगर कोई लेसन लेता है तो वो एक नहीं बल्कि 2 घंटे के लेता है, क्योंकि 1 घंटे में तो बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चलता। 2 घंटे में बंदा सही से सीख जाता है, सही से प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। तो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने लेसन्स में सीख जाते हैं। और इसके साथ साथ जिस दिन आप जाते हैं तो आप अपने लिए इंस्ट्रक्टर की गाड़ी या किसी दोस्त की गाड़ी लेके जा सकते हैं, उसकी भी इंश्योरेंस करानी होती है और इंस्ट्रक्टर को भी उसके पैसे देने होते हैं, तो उसके अलग कॉस्ट आते हैं। बेनिफिट्स की बात की जाए तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे आपसे जब आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाता है, इवन अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भी डालते हैं तो आपसे यही पूछा जाता है कि डू यू ड्राइव या डू यू हैव यूके ड्राइविंग लाइसेंस। तो जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है तो आपके पास जॉब्स की फिर कोई कमी नहीं रहती। किसी के पास भी अगर ड्राइविंग लाइसेंस हो और गाड़ी हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप जॉबलेस रहे। आपको 5 times बल्कि 10 times ज़्यादा जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, और इसके साथ साथ आपकी अर्निंग्स भी इससे इम्प्रूव हो जाती है। और एक मज़े की बात यह है कि यहाँ पे गाड़ी अब बहुत ही सस्ती है, आप अपनी पसंद की कोई भी गाड़ी ले सकते हैं, जो कि रेंज करती हैं 400 pounds से लेके ऊपर पर आप जाए लाखों पाउंड तक भी अवेलेबल है। लेकिन नॉर्मली आपके 1000, 1200, 1500 pounds में एक डिसेंट गाड़ी आ जाती है। तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ मैंने शेयर की, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस चैनल एज वेल। अल्लाह हाफिज़।